सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। आपका मशीन जाम है, धागा टूट रहा है या फिर सिलाई अच्छी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है सिलाई करने में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास और बहुत ही छोटा और आसान सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बियर क्राफ्टिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम मशीन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं और पिछले बार भी मैंने मशीन के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें कि मशीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया है मैंने। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मशीन जाम हो रही है तो इसके लिए आप क्या करें। तो मशीन जाम क्यों चलती है? क्योंकि मशीन के अंदर छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसमें कि जंक लग जाते हैं और हमारी मशीन चलती नहीं है, जाम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें मशीन की मेंटेनेंस करनी होती है बीच बीच में। अब मेंटेनेंस आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें कुछ जगह होती हैं जहाँ से हमें ऑयल डालना होता है और कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं डालना होता है, मशीन की ऑयल डालनी होती है। और ये जो मशीन की ऑयल है कहीं भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे मशीन का सामान मिलता है, जैसे जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है, सुई धागे, उसी शॉप से आपको ये मशीन का तेल भी मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको किन किन जगह पे मशीन का तेल यूज़ करना है। तो देखिए ये हमारी मशीन है और इसमें अभी हमें तेल डालना है। तो देखिए तेल डालने की जगह ऑलरेडी दी हुई है, पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस किस होल में उन्हें तेल डालना है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला होल आप देखिए, जो सीधे मशीन की नीडल तक जाती है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, दो दो बूंद करके हमें ऑयल डालना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया है। अब उसके जस्ट बगल में ही एक और छोटा सा होल है, इसमें भी हम डालेंगे ऑयल। दो चार बूंद करके हम डालते जाएंगे ऑयल, इसमें भी हमने डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे होल दिए हुए हैं, इसमें भी हम तेल डालेंगे। अब देखिए इस साइड, देखिए राइट साइड, इधर भी दो होल दिए हुए हैं, इसमें भी हम डालेंगे। पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हमने ऑयल डाल लिया है, ऊपर की तरफ हमने ऑयल डाल लिया है। अब देखिए ये जो हमारा नीडल है, इस वाले एरिया में भी हम ऑयल डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से हमें ऑयल डालना है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, जहाँ पे हम नीडल को डाल के फिर इसको टाइट करते हैं, यहाँ हम तेल डाल देंगे। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि अगर आपका धागा बार बार टूट रहा है और अगर आप मशीन के जो नीडल लगी हुई है उसमें हल्का सा ऑयल लगा देना तो धागा टूटना बंद हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे नीडल के पास हमने ऑयल डाल लिया है। अब ये जो मशीन का फुट है इसको ऊपर करेंगे। फुट के नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड चैनल जैसा बना हुआ है, इसमें भी हम ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है मशीन में अच्छी तरीके से। और आप देखिए ऑयल डालने के बाद मशीन जो है काफ़ी कम आवाज़ करती है और स्मूथली चलती है मशीन। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में देखा कि हमें मशीन की मेंटेनेंस कैसे करनी होती है और ऑयल हमें कहाँ कहाँ डालना होता है, जिससे कि हमारी मशीन काफ़ी स्मूथ हो चुकी है और काफ़ी अच्छी होगी सिलाई करने में भी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।